हेलो फ्रेंड्स, पिंकिन क्रिंची में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेखा और लेकर आई एक और नई रेसिपी। गर्मियों का मौसम है तो हमने सोचा क्यों ना आम पन्ना बनाया जाए। फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत अच्छा बना है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने आम पन्ना कैसे बनाया है। आम पन्ना बनाने के लिए हमने ये 200 ग्राम्स कच्चे आम ले लिए हैं, 200 ग्राम्स हमने ये शुगर ले ली है, ये सफेद नमक स्वाद अनुसार, ये काला नमक ले लिया है हमने, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, ये काली मिर्ची पाउडर है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आम पन्ना बनाना। सबसे पहले हम आम को छील कर गुठलियां अलग कर लेते हैं और इसे रफली कट कर लेते हैं। आम को हमने रफली कट कर लिया है। हमने एक पैन लिया है, गैस ऑन कर ली है। अब इसमें हम आम को डालेंगे और इसमें 500 मिलीलीटर पानी डाल देंगे। आम को सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं और इसमें अब हम 1/2 टीस्पून साल्ट डालेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे आम को पकाने के दौरान। आम अच्छे से पक चुका है, देखिए। अब इसको ठंडा होने रख देते हैं। एक पैन ले लिया है और इसमें हम चीनी डालेंगे और 1 कप पानी और 1 तार की चाशनी बना लेते हैं चलाते हुए। चाशनी चेक कर लेते हैं इस तरीके से, देखिए 1 तार बन रहा है इस तरीके से, यानी कि हमारी चाशनी 1 तार की बन चुकी है। अब गैस को लो कर देते हैं और इसमें एक छलनी रखकर, जो हमने ये आम को ठंडा किया था, मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से इसको अच्छे से छान ले। देखिए पल्प को हमने अच्छे से छान लिया है। अब ये जो थोड़ा बहुत है इसे हटा देंगे। अब इसको 7 से 8 मिनट चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आम पन्ना एकदम रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसमें हम काली मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। आम पन्ना बनकर एकदम रेडी हो गया है। गैस ऑफ कर देते हैं। इसे ठंडा होने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं और 2 महीने तक इसका यूज कर सकते हैं। तो इसे ठंडा होने देते हैं। चलिए आम पन्ना बना लेते हैं। अब इसमें हम आइस क्यूब्स डालेंगे। आपको जितना ठंडा चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। अब इसमें हम जो आम पन्ना तैयार किया था उसमें हम 3 चम्मच डालेंगे। अब इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। आम पन्ना बनकर एकदम रेडी है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय, बाय बाय।